कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बनारस, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ की तर्ज पर आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, जिसके चलते अब पुलिस अधिकारियों के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर भी होगी। यूपी कैबिनेट फैसले पर प्रबुद्धजनों की क्या राय है, आइए सुनते हैं क्या है उनकी राय। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से एक तो फरियादी जो है प्रशासन के चक्कर और पुलिस के चक्कर काटता रहता था, अब केवल वो पुलिस के पास ही सीमित रह जाएगा, जिससे कि उसको दो जगह चक्कर ना काटने कर उसका उत्पीड़न होने से रोका जा सकता है। और भी सारी ऐसी शक्तियां हैं जो शस्त्र लाइसेंसेस रिलेटेड हैं, वो सारी पुलिस के पास चली जाएंगी। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एडमिनिस्ट्रेशन से जो दंगा नियंत्रण करने के लिए पावर्स लेनी पड़ती थी, वो सारी पुलिस के पास रह जाएंगी। दंगा नियंत्रण करने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी के आदेश की अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। देखिए, पुलिस इस व्यवस्था से पब्लिक को कुछ लाभ भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक की सहूलियत के लिए सीधे पब्लिक के काम पुलिस यानी उसके नज़दीकी थाना क्षेत्र से ही हो जाएंगे, उसे कलेक्ट्रेट या SDM या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और हर व्यवस्था के कुछ लाभ तो कुछ नुकसान तो होते ही हैं। कुछ लोग जो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि CRPC के प्रावधान में भी जो हैं, जैसे 107, 16, 133, 145, 151 में भी सीधे पुलिस का रोल रहेगा, तो चेक बैलेंस का मामला थोड़ा सा नहीं रहेगा। और गैंगस्टर में भी पुलिस का सीधे सीधे हस्तक्षेप रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों का हस्तक्षेप था, तब एक चेक करने की एक व्यवस्था थी, अब सब कुछ पुलिस को ही करना है।